ऑनलाइन ट्यूटोरियल गुरुजी की इस वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद इस बेल आइकन को दबाकर हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा में अपना एटीएम कार्ड ब्लॉक करवाने के लिए आपको कुछ इस तरीके का कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर्म भर के जमा करवाना होता है। आप चाहें तो इस फॉर्म को अपनी बैंक ब्रांच से ले सकते हैं या फिर इसे ऑनलाइन डाउनलोड करके इसका प्रिंटआउट निकाल सकते हैं। इस फॉर्म को ऑनलाइन डाउनलोड करने का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप चाहें तो उस लिंक पर क्लिक करके इस फॉर्म को ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद इसका प्रिंटआउट निकाल के इसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं इस फॉर्म को भरने की। सबसे पहले आपको ये देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा के नीचे एक स्पेस दिया गया है, तो यहाँ पर आपने अपनी ब्रांच का नाम लिख देना है, यानी बैंक ऑफ बड़ौदा की जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है और जिस अकाउंट का एटीएम कार्ड आपने ब्लॉक करवाना है। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर ब्रांच का नाम मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपने डालनी है उस दिन की तारीख, जिस तारीख को आप ये फॉर्म भर के बैंक में जमा करवाएंगे। कुछ इस फॉर्मेट में आपने डेट लिखनी है और उसके बाद प्लेस में लिख देना है जगह का नाम, जिस जगह पे आपने ये फॉर्म भरा है, यानी बेसिकली आपकी सिटी का ही नाम होता है जिस जगह पे आप रहते हैं और जिस जगह पे आपकी ब्रांच है। उसके बाद कस्टमर नेम में यहाँ पर डालना है अकाउंट होल्डर का नाम, जिसके भी नाम पे अकाउंट है उसका कंप्लीट नेम यहाँ पर कैपिटल लेटर्स में कुछ इस तरीके से लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर मेंशन होगा अकाउंट नंबर, यानी जिस अकाउंट नंबर से लिंक्ड एटीएम कार्ड को आपने ब्लॉक करवाना है वो अकाउंट नंबर आप यहाँ पर लिखिएगा। उसके बाद थर्ड नंबर पर पूछी गई है आपसे कस्टमर आईडी। दोस्तों, ये तीनों ही डिटेल आपको आपकी बैंक पासबुक के फ्रंट पेज पे मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से देख के ये तीनों डिटेल बड़ी आसानी से इस फॉर्म में भर सकते हैं। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर में आप प्रेफर कीजिएगा कि आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपके अकाउंट से लिंक है उसी मोबाइल नंबर को आप यहाँ पर लिखें, और अगर आप उस मोबाइल नंबर को फ़िलहाल यूज़ नहीं करते तो जो करंट में जो भी आपका एक्टिव मोबाइल नंबर है जिसे आप यूज़ करते हैं वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद ये देखिए, नीचे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से किसी भी ऑप्शन पर आपने टिक नहीं लगाना है। अपना एटीएम कार्ड ब्लॉक करवाने के लिए मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर आपने टिक करना है। सीधा इस फॉर्म को पलट लेना है कुछ इस तरीके से। पलटने के बाद ये देखिए 18 नंबर पॉइंट आपको दिखेगा, मैं जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पर डेबिट कम एटीएम कार्ड का आपको इस पर टिक कर देना है। टिक करने के बाद अगेन सबसे पहला ही ऑप्शन आपको दिख रहा होगा ब्लॉक माई कार्ड का, तो अपना एटीएम कार्ड ब्लॉक करवाने के लिए आपको सीधा ब्लॉक माई कार्ड पर टिक करना है और कहीं भी आपने टिक नहीं करना है। तो चलिए टिक कर लेते हैं ब्लॉक माई कार्ड पर। उसके बाद ये देखिए, नीचे आपने कार्ड नंबर मेंशन करना है, यानी जो भी आपके एटीएम कार्ड के फ्रंट साइड पे लंबा सा नंबर लिखा होता है 16 डिजिट का, वो नंबर आप यहाँ पर पूरा का पूरा आपने लिख देना है। एटीएम कार्ड का नंबर लिखने के बाद फिर सेकंड रो में आपने रीज़न लिखना है कि किस कारण से आप अपना ये एटीएम कार्ड ब्लॉक करवाना चाहते हैं। जैसे अगर आपका एटीएम कार्ड गुम हो गया तो आप लिख सकते हैं कि लॉस्ट कार्ड, या जो भी आपका जेन्युइन रीज़न हो वो रीज़न आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिख दीजिएगा। इतना करने के बाद आपने सीधा नीचे बॉक्स में अकाउंट होल्डर के सिग्नेचर कर देने हैं, यानी जिसके नाम पर अकाउंट है उसके सिग्नेचर होंगे, और अगर एक से ज़्यादा अकाउंट होल्डर के नाम हैं जॉइंट अकाउंट हैं तो फिर अलग अलग बॉक्सेस में सिग्नेचर करवाने पड़ेंगे। सिग्नेचर करने के बाद ये नीचे यहाँ पर ब्रांच यूज़ के लिए स्पेस दिया गया है, इसमें आपने कुछ भी फिलअप नहीं करना है, इसे खाली छोड़ देना है। बस आपको इस फॉर्म को इतना ही फिल करना है और इसे जैसे ही आप अपनी बैंक ब्रांच में जमा करवाएंगे तो आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा में मैंने यही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं जिसमें आपको मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा की अलग अलग सर्विसेज के लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसके बारे में ट्यूटोरियल दिया है। उन सभी वीडियोज़ को आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके मैंने प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया है, आप उस लिंक पर क्लिक करके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल है तो मुझे नीचे कमेंट करके पूछिए, मैं जल्द से जल्द आपके सवाल का जवाब दूंगा। साथ ही साथ जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। साथ ही साथ सब्सक्राइब बटन के बराबर में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं अपने चैनल पर नई वीडियो डालूँ आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाए।